अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन सेट कर रखे हैं, जैसे आइकन वगैरह होते हैं, आइकन सेट कर रखे हैं, तो क्या इस आइकन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो सकता है? जैसे मैं चाहता हूँ जो अप साइड का जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो हमेशा टॉप पे रहे, जो हमारा अपर फॉर्मेटिंग है वो हमेशा टॉप पे रहे, तो उसके लिए आपको जाना होगा शॉर्ट रेंज फिल्टर के कस्टम शॉर्ट में, और यहाँ नेम के जगह पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी क्वांटिटी, और जहाँ पे आपका सेल कलर या सेल वैल्यू होता है उसी में सेलेक्ट कर लीजिए सेल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। हालांकि फॉन्ट कलर किसी अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स में करना चाहता हूँ। नो कलर, एक मिनट थोड़ा सा हैंग हो गया, हैंग हो गया। थोड़ा डेटा बड़ा है ना शायद, इसलिए मैच कर रहा है। जितना डेटा शॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा ही इस तरह से चलेगा। ओके, अब यहां पे अपना आइकन्स यूज कर लीजिए। टॉप चाहिए, टॉप सबसे ऊपर रखना है, सबसे बॉटम रखना है वो सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जस्ट ओके कीजिए। ओके कर इतना ही डेटा होगा। अब जैसे डेटा काफ़ी लार्ज है, आइकन्स को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे देखिए दिक्कत होगा, इसलिए बड़े डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए हम अवॉइड करते हैं कि आप मत करें, क्योंकि फिर उसको मैनेज करने में, उसको शॉर्ट करने में, फिल्टर वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब बड़ा डेटा होता है तो बड़े डेटा में नहीं करता भी, इसी चीज़ को अगर छोटे डेटा में हम करेंगे तो ईजिली होगा, अगर 7000 का डेटा एग्जाम से इस कारण से नहीं होगा, लेकिन हो जाना चाहिए। एक ब्रेक क्लियर रूल्स यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। अब